हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जो है क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे जीमेल सर्च करना है। सबसे पहले आपको नई जीमेल बनानी होगी चैनल बनाने के लिए। अगर आपके पास ओल्ड जीमेल है तो वहाँ से भी आप अपनी जीमेल कर सकते हैं, वहाँ से आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो क्रिएट पे क्लिक करते हैं। और अगर आपको खुद के लिए बनाना है चैनल तो पर्सनल यूज़ के लिए कीजिए। अगर अपने बच्चे के लिए बनाना है तो बच्चे सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको बिजनेस वर्क के लिए बनाना है तो थर्ड वाला ऑप्शन को क्रिएट कीजिए। तो हम जो है पर्सनल यूज़ के लिए बनाना चाहते हैं, तो आपका जो भी नेम है आप यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जैसे कि मैंने अपना यहाँ पर नाम सर्च कर दिया है, डाल दिया है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद में आपको आपका यूजर नेम डालना है। आप जो भी अपना यूजर नेम डालना चाहते हो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ये अभी अवेलेबल है या नहीं है। तो देखिए, अभी फ़िलहाल मेरे को यहाँ पे तीन चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल शो कर रही हैं कि इस नाम से मैं जो अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा आसान है और मेरे को याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो अपना पासवर्ड वगैरह सेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड सेट करता हूँ। फिर आपको कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है कंफर्म पासवर्ड कर देना है। तो यहाँ पे आई थिंक पासवर्ड में गलत हो गया है, तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा से टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है फ़ोन वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। आपको ये भी आ सकता है या डायरेक्ट आपका जो है डायरेक्ट भी जीमेल अकाउंट क्रिएट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर अपना जो है फ़ोन नंबर डाल के वेरीफाई कर लेता हूँ अपनी जीमेल को। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, आपकी जीमेल जो है सिक्योर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं, मेरे पास जो है ओटीपी आ गया है, मैं वो यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वो अपनी ओटीपी को फिल कर दिया है, यहाँ पे आप जो अपनी रिकवरी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट इसको भी जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल है। तो यहाँ पे आपको फिर से जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप अपनी जीमेल जो, अगर आपने कोई दूसरी जीमेल बना रखी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो रिकवरी ईमेल के लिए। बाई चांस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो इस जीमेल के द्वारा जो आप लॉगिन कर सकते हो, फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो उसके द्वारा। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। आपको फिर से जो है यस आई एम इन पे क्लिक करना है। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एग्री का ऑप्शन है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो है जीमेल अकाउंट बनके तैयार हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपको जो है सिंपली नेक्स्ट पेज ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको जो है यूट्यूब सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ यहाँ पे पहला ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है साइन इन का, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, अभी यहाँ पे अपना अकाउंट जो है आ चुका है, लॉगिन हो चुके हैं। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ फ़ोटो पे, और यहाँ पे देखिए क्रिएट ए चैनल का ऑप्शन देखने को मिल चुका है। तो हमको सिंपली क्रिएट ए चैनल पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो आपका नेम है, जो चैनल का आप नेम रखना चाहते हो, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और तो सबसे इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि आप, जैसे कि मान लीजिए आपको आपको कोई भी चैनल का नेम पसंद आ रहा है, तो आप पहले वो YouTube पे सर्च करके देखें क्या वो चैनल अवेलेबल है पहले से। तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे नाम डाल के चेक कर लेता हूँ, मैं अपना इस नेम से चैनल बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चैनल सिलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कि इस नेम से कितने चैनल बने हुए हैं, क्या कोई चैनल बड़ा है, यानी कि जिसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हों। जिससे अगर अच्छे खासे सब्सक्राइबर हों तो आप उस नेम को यूज़ मत करना, क्योंकि आपका जो है रैंकिंग के अंदर आपका नेम नहीं आएगा, आपके चैनल का नेम। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ चैनल बने हुए हैं, ये देखिए ईश्वर वंदन, यहाँ पे 42 के सब्सक्राइबर हैं इनके। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको चैनल के नेम देख लेने हैं कि आपके नेम, जिस नेम से आप चैनल क्रिएट कर रहे हो उस नेम से पहले कोई चैनल अवेलेबल तो नहीं है। अगर अवेलेबल है तो बड़ा चैनल तो नहीं है। तो सिंपली ये चीज़ आपको चेक करना है। ये चेक करने के बाद में जो भी यहाँ पे आप सेट करना चाहते हो, आपका गेमिंग का चैनल बनाना चाहते हो या टेक्नोलॉजी का बनाना चाहते हो, एजुकेशन का बनाना चाहते हो, तो वो यहाँ पे आपको, आप उस हिसाब से अपने चैनल का नेम लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है
एडिटिंग एडिटिंग कोर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक बार चेक करता हूँ एडिटिंग कोर्स नाम से कोई चैनल तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपली चेक करता हूँ कि इस नेम से कोई चैनल, कोई बड़ा चैनल तो नहीं बना हुआ। तो यहाँ पे देखिए 23 सब्सक्राइबर है, 121 है, GFX मेंटर करके है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे कोई भी बड़ा चैनल अवेलेबल मेरे को शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये चेक देख सकते हैं आप, कोई भी इस नेम से चैनल बड़ा चैनल नहीं है। तो सिंपली हम जो है इसको अपना चैनल नेम लिखने वाले हैं। तो हम दोबारा से YouTube पे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम जो है अपना चैनल का नेम डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो इसको एडिट कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये मैं अपना चैनल का नेम लिखने वाला हूँ। अगर आप आपके चैनल पे कोई पिक्चर अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको सिंपली अपलोड पिक्चर पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ मेरे पास जो है मेरा कंप्यूटर के जो फोल्डर है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेरे पास कोई फोटो वगैरह अवेलेबल है या नहीं है। तो फिलहाल मैं जो है ये फोटो ले लेता हूँ अभी के लिए, बाद में इसको आप चेंज भी कर सकते हो, नेम भी चेंज कर सकते हो, फोटो भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, तो मैं इतना इसको रखने वाला हूँ। और उसके बाद में आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक होने के बाद आपका चैनल अगर कोई सर्च करता है तो उसमें ये पिक्चर अभी शो करने वाली है और इस नाम से आपका चैनल क्रिएट होने वाला है। तो सिंपली आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है तो आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो चैनल है वो क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपना YouTube चैनल को क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप अपने फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बाय चांस आपको बाद में कोई फ़ोटो अपलोड चेंज करना हो, अपलोड करना हो, तो कैसे आप कर सकते हो? तो उसके लिए सिंपली आपको फिर से फ़ोटो पे क्लिक करना है, यहाँ पे यूअर चैनल पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप जो है फ़ोटो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर YouTube स्टूडियो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है चेंज पे क्लिक करके आप कोई भी नई जो फ़ोटो है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों सेम प्रोसेस जो है आप मोबाइल के द्वारा भी कर सकते हो। आप जो है डायरेक्ट, आपके पास पहले से कोई जीमेल है तो वहाँ से भी आप जो है डायरेक्ट चैनल क्रिएट कर सकते हो। आप एंड्रॉयड फ़ोन हो, एप्पल का फ़ोन हो, लिनक्स का कंप्यूटर हो, या फिर विंडो वाला कंप्यूटर हो, या कोई भी आपके पास कंप्यूटर है, एप्पल का प्रोडक्ट है या एप्पल के टैब है, तो वहाँ पे आप सिंपली इस तरीके को यूज़ करके आप अपना यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस सभी चीज़ों के अंदर रहने वाला है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता चल जाए कि कैसे बना सकते हैं।